वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रेड डीजल मैकेनिक्स, ओके। और ये है आपका रिवीजन टेस्ट 2। देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग अपना अपना प्लेलिस्ट चेक किया करो। ये रिवीजन टेस्ट 2 है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अभी तक सिर्फ आप लोगों को 2 लेक्चर आया है। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन भी 2 लेक्चर डाला हुआ है। तो आप लोग क्या करो, प्लेलिस्ट को देखो, क्योंकि डीजल मैकेनिक्स में सिर्फ आप लोगों को डीजल मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, उसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, टूल्स, सेफ्टी एंड मैनेजमेंट, वर्नियर कैलिपर, और ये जो डीजल मैकेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ आईसी इंजन वगैरह, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। तो आप लोग वैसे कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो मैं सिंपल सा वे बताता हूँ कि प्लेलिस्ट को फॉलो करो। प्लेलिस्ट में जो भी लेक्चर आपको मिलता है, आप एक लाइन से देख लो, मैं वही सोच करके प्लेलिस्ट में लेक्चर को ऐड कर देता हूँ, ओके। और आप लोग डिस्क्रिप्शन को फॉलो करो, हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो सब ज्वाइन कर लेना। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। शायद रिवीजन टेस्ट 1 में मैंने 1 to 12 डिस्कस किया था या 1 to 13 डिस्कस किया था, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग उसको देख लेना। हम लोग इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं काफी अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोग क्या करना, सिर्फ क्वेश्चन मत देखना, थोड़ा सा नोटबुक पे नोट भी करते जाना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर कम्बसन ऑफ द फ्यूल इन एन इंजन। अब देखो, इंजन का जैसे ही बात आता है तो अपने लोगों का ऐसा इंजन भी आ जाता है और सीआई इंजन भी आ जाता है। तो हम लोग जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन तो फ्यूल हम लोगों का जलेगा नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन हम लोग देते हैं वो कैसा देते हैं, प्योर ऑक्सीजन देते हैं या एयर देते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं या नाइट्रोजन देते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो आप ही लोग बताओ, हम लोग जो बाहर से एयर सप्लाई करते हैं वो एयर सप्लाई करते हैं, मेरे बात में ही आंसर है इस क्वेश्चन का। हम लोग प्योर ऑक्सीजन नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, एयर देते हैं, और इस एयर में हम लोगों का ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है आपका कि द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ अ 4-स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा, 4-स्ट्रोक इंजन का बात हो रहा है। तो 4-स्ट्रोक इंजन में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था कि एक इंटेक होता है, ठीक है। इंटेक मतलब क्या हुआ, आपका एयर फ्यूल अंदर आया, फिर उसके बाद कंप्रेशन होता है, इस एयर फ्यूल को हम लोग कंप्रेशन किए तो यहाँ पे हम लोगों का आ गया, और जब कंप्रेस्ड हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्लग के हेल्प से स्पार्क देते हैं, तो ये जलने लगता है, और जब जलने लगता है तो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करता है, तो ये पिस्टन वापस इधर भागता है, इसको पावर बोलते हैं। और पावर जब हो जाता है तब जो एग्जॉस्ट आप लोगों का बचता है, तो ये आपका एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये आपका एग्जॉस्ट हो गया। ये चार प्रोसेस है। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगा, जब यहाँ से पिस्टन यहाँ आया तो ये क्रैंक शाफ्ट यहाँ से यहाँ पे आया। देखो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट एरो, देखो एरो यहाँ से आपको समझ में आएगा, यहाँ तक आया, और ये पिस्टन जब यहाँ से वापस गया तब ये क्रैंक शाफ्ट यहाँ से यहाँ चला गया। मतलब आप क्या देख रहे हो कि आधा इसमें और आधा इसमें, मतलब एक रिवॉल्यूशन हुआ इस दोनों को मिला करके। उसी तरह से यहाँ देखो एरो यहाँ पे आया और फिर इसमें यहाँ से यहाँ पे गया, मतलब इस दोनों को मिला करके एक। तो आप क्या समझ रहे हो, ये 4 स्ट्रोक है बट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है सो 2 है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, फिगर मैंने इसलिए बताया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन क्या हो गया, आप लोग बताओ कि आपका जो है 4-स्ट्रोक इंजन में 2 रिवॉल्यूशन होता है एक बार में। यहाँ पे देखो 4 है, 4 स्ट्रोक है, 4 बार हो रहा है, एक बार इंटेक, एक बार कंप्रेशन, एक बार पावर और एक बार एग्जॉस्ट, यानी टोटल 4 बार हाफ सर्किल, यानी 2 रिवॉल्यूशन, और 2 रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, एक बार पावर मिल रहा है। देखो
इनटेक कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट, एक ही बार पावर आया ना तो चार बार में एक ही बार पावर मिल रहा है। तो यही क्वेश्चन है आपका कि फोर स्ट्रोक इंजन में जो है सो अपना वर्किंग साइकिल जो होता है वो इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है, तो दो रिवॉल्यूशन को पकड़ने का कोशिश करो, दो रिवॉल्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मैं जैसे बता रहा हूँ अगर कंसेप्ट समझ में आ गया आपको विथ द हेल्प ऑफ फिगर, तो आप लोगों को कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना दोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ फिगर देखो, यहाँ से आपका कितना सारा क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन सुनते ही आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश करना। फोर स्ट्रोक इंजन में सबसे फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, सेकेंड स्टेज का नाम क्या है, थर्ड स्टेज का नाम क्या है, फोर्थ स्टेज का नाम क्या है, इंटेक वाल्व किस स्टेज में ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व किस स्टेज में ओपन होता है, ठीक है, पावर किस स्ट्रोक में हम लोगों को मिलता है, किस स्टेज में हम लोगों को पावर मिलता है, कंप्रेशन किस स्टेज में होता है, ये सारा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। इतना ही नहीं, एक स्ट्रोक में कितना डिग्री का मूवमेंट होता है, देखो एक स्ट्रोक में आपका 180 डिग्री का ही मूवमेंट हो रहा है, 180 डिग्री एक स्ट्रोक में, दो स्ट्रोक में 360 डिग्री और चारों मिला दोगे तो 720 डिग्री। मतलब आप क्या समझे कि आपका एक पावर स्ट्रोक जो है वो हम लोगों को मिलता है जब अपना क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री से रोटेट करता है तब। यहाँ पे आपको ये लाइन समझ में आ गया कि क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री, दो रिवॉल्यूशन अभी हम लोगों ने देखा ना आंसर में, दो रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है 360 डिग्री, तो दो रिवॉल्यूशन मतलब 720 डिग्री, मतलब दो रिवॉल्यूशन जब होगा यानी कि क्रैंक शाफ्ट मेरा जब 720 डिग्री से रिवॉल्व करेगा तब हम लोगों का एक बार पावर स्ट्रोक होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीजल इंजन में जो होता है, मैंने हजार बार बताया फ्यूल को कैसे जलाते हैं, तो कंप्रेशन करके। कंप्रेशन करके मतलब समझने का कोशिश करना, कंप्रेशन मतलब क्या होता है कि अपना एयर आता है उस एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस जब करते हैं तो क्या होगा, किसी भी चीज को आप कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का इंजेक्शन करवाते हैं विथ द हेल्प ऑफ इंजेक्टर। जैसे ही डीजल इंजन का नाम आएगा तो इंजेक्टर यूज होता है, और पेट्रोल इंजन का नाम आता है तो कार्बोरेटर यूज होता है। तो इंजेक्टर के हेल्प से क्या करते हैं, इंजेक्ट करवाते हैं फ्यूल को, कहाँ पे, कंप्रेस्ड एयर में, और चूंकि एयर कंप्रेस्ड है तो वहां पे क्या है कि टेम्परेचर अपना ज्यादा हो चुका है कंप्रेशन की वजह से, तो वहां पे इग्निशन हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर, कंप्रेसिंग एयर की वजह से जो हीट हो जाता है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूल का सप्लाई मारते हैं विथ द हेल्प ऑफ इंजेक्टर, तो इग्निशन हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबसन। समझ में आया, चलो देखो स्केवेंजिंग, स्केवेंजिंग क्या होता है, देखो मैंने चार स्टेज आपको बताया, इनटेक कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट जो होता है उसमें जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट होता है आपका फालतू का जो प्रोडक्ट होता है उसको निकालते हैं इस प्रोसेस में। मतलब आप क्या समझे, मतलब आप ये समझे कि यहाँ से देखो जितना मैंने बताया अगर इतना ही समझ में आ गया तो आपका आंसर आ जाएगा। एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्नट गैसेज, तो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट जो होता है आपका बर्नट गैसेज इसको सिलेंडर से निकालते हैं ड्यूरिंग एग्जॉस्ट पीरियड, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केवेंजिंग। तो आप लोग इसका डेफिनेशन देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लेना, होगा तो कहीं पे छोटा सा लाइन लिख लेना कि स्केवेंजिंग क्या है, और ये जो टॉपिक है आपका और सुपर चार्जिंग ये सब कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप लोग इग्नोर मत करना। स्केवेंजिंग क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट गैस जो होता है जो जला हुआ
फालतू का प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग फोर्सफुली सिलेंडर से निकाल देते हैं ताकि फ्रेश रहे सिलेंडर और मेरा स्मूथ कम्बसन फिर से हो, इसीलिए हम लोग निकाल देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्केवेंजिंग। तो आप लोग इसको देख लेना। चलो सुपर चार्जिंग है तो ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बार बार रिपीट होगा और मैं बार बार बताऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद हो जाए। सुपर चार्जिंग क्या है प्रोसेस बताओ। सुपर चार्जिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एयर डेंसिटी को इंक्रीज करके दे देते हैं ताकि ज्यादा एयर देंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ज्यादा फ्यूल जलेगा और ज्यादा फ्यूल जलेगा तो ज्यादा पावर मिलेगा, तो हिली एरिया पे क्या करेंगे हम लोगों का व्हीकल चढ़ेगा। ओके सिंपल सा कंसेप्ट है, सप्लाइंग द इनटेक ऑफ एन इंजन विद एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक। समझ में आ गया आप लोगों को, एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा डेंसिटी का एयर हम लोग देते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन उसमें हो। ओके चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्रेशन रेशियो। अब देखो कंप्रेशन रेशियो ऐसे, इसके बारे में मैं इसी लेक्चर के लास्ट में बात करूंगा कि क्या होता है कंप्रेशन रेशियो। तब तक के लिए आप लोग एक चीज समझ जाओ कि एक होता है आपका सिलेंडर, ये सिलेंडर होता है ठीक है, ये आपका सिलेंडर है तो इसमें क्या होता है कि ये पिस्टन है, ध्यान देना ये पिस्टन है, ये पिस्टन है तो ये पिस्टन पूरा ऊपर तक नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है, देखो जब इंटेक करते हैं हम लोग, जब इसको हम लोग नीचे लेके जाते हैं फर्स्ट प्रोसेस में तो इसमें एयर फ्यूल आता है अंदर, तो अंदर आता है एयर फ्यूल तो उसके बाद जब ये वापस जाता है तो ये एयर फ्यूल क्या होता है, कंप्रेशन होता है एयर फ्यूल का, तो एयर फ्यूल कंप्रेशन होकर के मतलब सेकेंड स्टेज में ये यहीं पे रहता है। मतलब आप ऐसे समझो, ऐसे समझो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे मेरा आ गया पिस्टन, यहाँ पे मेरा आ गया ऐसे करके और यहाँ पे मेरा पूरा एयर फ्यूल आ गया ठीक है। सेकेंड स्टेज में वापस ये ऊपर की डायरेक्शन की तरफ गया और इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया सेकेंड स्टेज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ध्यान से देखो कि ये जो वॉल्यूम है इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, उसी तरह से इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा इस पोर्शन का। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिलेंडर है तो अपना जो पिस्टन होता है वो पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा पाता है, मतलब ये होता है टॉप डेड सेंटर और ये होता है मान लो अपना बॉटम डेड सेंटर ठीक है, मान लो ये यहाँ तक आ जाता है पूरा, तो ये जो वॉल्यूम है ना इसको बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ध्यान देना स्वेप्ट वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम, ये मतलब जितना वो खींच सकता है उस वॉल्यूम को बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, और इस टोटल को क्या बोलेंगे, इस टोटल को बोलेंगे सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। समझने का कोशिश करना, तो टोटल वॉल्यूम क्या है बताओ, टोटल वॉल्यूम है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम। देखो यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम और बट्टा ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 1 + VSY VC हो जाएगा। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कंप्रेशन रेशियो जो है 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, इस फिगर को देख करके यहाँ पे आपका जो ये एक्सप्रेशन है इसको अगर आप देखो ध्यान से, आपको 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं VSY VC और देखो VS यहाँ पे कितना ज्यादा है, ये VS है और ये VC है तो 1 से ज्यादा ही होगा हमेशा। ओके और अगर इस टर्म में पूछेगा तो कंप्रेशन रेशियो का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं कि सिलिंड्रिकल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय
क्लियरेंस वालों आप लोग देख लो ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में आप लोग देखो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। अब इन सिलेंडर आ गया मतलब सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। बिफोर कंप्रेशन, बिफोर कंप्रेशन मतलब व्हाट, यहाँ तक जो आया ये टोटल जो आया मेरा यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग कंप्रेशन करेंगे तो मेरा ये सारा जो है सो यहाँ पे आके जमा हो जाएगा, तो यही चीज बता रहा है। तो ये स्विफ्ट वॉल्यूम था आपका, ठीक है। तो बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, ओके। देखो कंप्रेशन स्ट्रोक जब नहीं था तो हम लोगों का ये वॉल्यूम था हम लोगों का, और जब कंप्रेशन हो गया तो ये हो गया, तो ये टोटल सिलिंड्रिकल वॉल्यूम। अब चूंकि ये यहाँ पे आ गया, ध्यान देखो ये जो है आपका बॉटम के जगह पे आ गया है, जब आप इनटेक प्रोसेस कर दिए तो ये एकदम बॉटम प्लेस पे, मतलब ये टोटल का बात कर रहा है यहाँ तक, मतलब स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, ये दोनों का बात हो रहा है। तो बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, इसी लेक्चर के लास्ट में मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊंगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। चूंकि एयर स्टैंडर्ड साइकिल का बात होता है ना, तो हम लोग तीन तरह का साइकिल जनरली यूज करते हैं। एक हम लोग यूज करते हैं ऑटो साइकिल, एक हम लोग यूज करते हैं ड्यूअल साइकिल, और एक हम लोग यूज करते हैं आपका डीजल साइकिल, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। जब अगर केस वन में बता देता हूँ, केस वन इसको एकदम से रट जाना, क्योंकि यहाँ से आपका 100% फिक्स से एक क्वेश्चन बन सकता है। केस वन है आपका फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी जो है ऑटो साइकिल का वो सबसे ज्यादा होता है, एफिशिएंसी आपका ड्यूअल साइकिल का, और इसका इसके बाद एफिशिएंसी आपका डीजल साइकिल का, ध्यान देना। और केस टू क्या है आपका, केस टू है आपका फॉर मैक्सिमम प्रेशर, फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, मतलब ऑटो के जगह डीजल और डीजल के जगह ऑटो, ठीक है। एफिशिएंसी जो है डीजल साइकिल का सबसे ज्यादा, और उसके बाद ड्यूअल, और उसके बाद ऑटो। तो यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे, देखो ड्यूअल को हमेशा बीच में रखना, इसमें तो कोई शक नहीं है ड्यूअल है, मतलब आधा ऑटो आधा डीजल समझ सकते हो, इसको बीच में। सेम कंप्रेशन रेशियो के बारे में हम लोग बात करते हैं हमेशा, हम लोग हमेशा सेम कंप्रेशन के बारे में ही बात करते हैं, और आप लोग मान के चलो कि थर्मल एफिशिएंसी फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो जो है आपका ऑटो साइकिल का सबसे ज्यादा होता है, और ये बीच में रहता है, और ये आपका बच गया तो पीछे। और जब मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर का बात हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग कैसे भी करके याद कर लेना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्या, कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से बताना है। देखो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से बताना है, तो कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से हम लोग क्या जानते हैं, कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से हम लोग जानते हैं ये एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ड्यूअल साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मोर, ठीक है, ये आपको हो गया। चलो इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंजन इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। अब देखो इंजन इंडिकेटर का यूज क्या करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग इंजन इंडिकेटर का यूज, तो इंजन इंडिकेटर का यूज हम लोग करते हैं प्रेशर के बारे में पता लगाने के लिए, और इंजन का परफॉर्मेंस के बारे में पता लगाने के लिए। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग ये जान जाओ कि MEP का मतलब होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, और IHP का यहाँ पे मतलब है इंडिकेटेड हॉर्स
पावर, ये आपका IHP का मतलब होता है। तो ये दोनों भी आप लोग फुल फॉर्म याद रखना, क्या पता क्या पूछ दे। और इंजन इंडिकेटर है तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि इंजन है और इंडिकेटर लगा हुआ है तो वो इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। और चूंकि परफॉर्मेंस का बात हो रहा है तो इंजन का बात हो रहा है और परफॉर्मेंस का बात हो रहा है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पावर ही तो चेक करेंगे। तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर और मीन इफेक्टिव प्रेशर, और यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से कि एन इंजन इंडिकेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है किसको, प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर वर्सेस पिस्टन डिस्प्लेसमेंट थ्रू एन इंजन स्ट्रोक साइकिल। ओके, और इतना ही नहीं, इंजीनियर जो है उसका यूज करता है चेक करने के लिए इसका डिजाइन और परफॉर्मेंस को भी। ओके, चलो इसको आप लोग रट जाना अच्छे से कि इंजन जो होता है उसके अंदर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आपको कहाँ तक जा सकता है, तो वो आपको जा सकता है 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस, इसके रेंज में मैक्सिमम टेम्परेचर। देखो मिनिमम नहीं हो रहा है और जनरल एवरेज का भी बात नहीं हो रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर IC इंजन का जो होता है वो इस ऑर्डर में रहता है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कंबसन। अब देखो यहाँ पे बात हो रहा है CI इंजन का, तो CI इंजन का बात हो रहा है, आप मुझे बताओ, मैंने अभी एक चीज बताया कि CI इंजन में हम लोग एयर को कंप्रेस करते हैं, एयर को जब कंप्रेस करते हैं, इसी का आज के लेक्चर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही था। CI इंजन में हम लोग क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, और एयर को जब आप कंप्रेस करोगे तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और उस टेम्परेचर की वजह से जब हम लोग इंजेक्टर के हेल्प से उसमें फ्यूल को इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो वो जल उठता है, उसमें इग्निशन हो जाता है, कंबसन हो जाता है। तो आप लोग क्या सीख रहे हो, एयर का कुछ और कंडीशन है, बहुत सारा एयर है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं और बाहर से फ्यूल को इंजेक्ट करवा रहे हैं स्प्रे के फॉर्म में, तो ये आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। क्या है, हेट्रोजेनस, ये आपका हेट्रोजेनस है। ओके, यहाँ पे आप लोग पढ़ लेना कि द कंबसन इन CI इंजन इज हेट्रोजेनस, मैंने फर्स्ट लाइन ही बोल्ड करके लिखा हुआ, और उसके बाद आप लोग रीडिंग मार लेना कि द इग्निशन सिस्टम जो होता है वो आपका CI इंजन में जो होता है वो किस तरह से होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्यूल को बाहर से देते हैं इंजेक्शन पंप के हेल्प से, और अंदर में हम लोगों का क्या रहता है, हॉट कंप्रेस्ड एयर रहता है, और चूंकि ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रहता है और इसमें हम लोग फ्यूल को देते हैं, इससे क्या होता है, वो फ्यूल मेरा इग्नाइट हो जाता है, और इग्नाइट हो जाता है और उसके बाद जो है सो कंबसन चैम्बर के अंदर में वो फ्यूल जो है सो वेपोराइज हो जाता है और वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है मेरा, और उसके बाद कंबसन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि ये हम लोगों का हेट्रोजोनस कंबसन है, तो आप लोग इसको देख लेना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबसन इंजन, अब इसको आप लोग जो समझो इंटरनल कर देना इसको, इंटरनल कंबसन इंजन। देखो ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक तो हम लोग जानते हैं कि ये IC इंजन है, डीजल इंजन भी हम लोग जानते हैं IC इंजन है, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, हम लोग इस दोनों में फंस सकते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि स्टीम टर्बाइन क्या होता है, स्टीम हम लोग क्या करते हैं, एक बॉयलर होता है जो काफी दूर होता है और वहां पे क्या होता है, कोयला को जला करके हम लोग वाटर को वेपर में या स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उस स्टीम को पाइप के थ्रू लाते हैं और उसके बाद उस स्टीम के हेल्प से टरबाइन को घुमा के जनरेटर कनेक्ट रहता है मेरा टरबाइन से और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोगों का बर्निंग जो होता है, कोयला को जो हम लोग जलाते हैं वो बाहर में जलाते हैं, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम टर्बाइन। गैस टर्बाइन हम लोगों का क्या है, एक तरह का IC इंजन ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द आउटपुट ऑफ अ डीजल इंजन, सिंपल सा फंडा वही चीज कि कोई इंजन है उसका आउटपुट बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, इतना सा ही देखोगे तो आप लोग सुपर चार्जिंग पे टिक मार दोगे। और आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको साइज भी नहीं बढ़ाना है इंजन का और इंजन का रिवॉल्यूशन भी नहीं बढ़ाना है और आउटपुट बढ़ाना है इंजन का, तो कैसे करेंगे,
तो हम लोग सुपर चार्जिंग करते हैं। और सुपर चार्जिंग में क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही है कि एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उससे ज्यादा डेंसिटी का एयर हम लोग सप्लाई मारते हैं विथ द हेल्प ऑफ सुपर चार्जर, ठीक है, और उसी को सुपर चार्जर भी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाय यूजिंग कंप्रेसर एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर चार्जर। इसको आप लोग देख लेना, वैसे मैंने इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, अब तो ये सब आपको पता ही होगा, जैसे ही आप सेम देखोगे आप लोग बोलोगे कि ऑटो साइकिल जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है डीजल साइकिल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, और 26 देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप और अ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। अब देखो आप लोग वेपोराइजेशन जानते होंगे, इंजेक्शन जानते होंगे, आयोनाइजेशन भी जानते होंगे, एटोमाइजेशन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। एटोमाइजेशन में हम लोग स्प्रे करते हैं, मतलब एक लिक्विड ड्रॉपलेट को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट में तोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देखो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, सेपरेट कर देते हैं बहुत छोटा छोटा पार्टिकल में, ओके, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एटोमाइजेशन। तो वही चीज आपसे पूछा जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप और अ लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, तो आपका क्या हो जाएगा एटोमाइजेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। मैं मार्क कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, इसमें क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड। अब देखो ये अगर शुरू से देखे होगे तो अभी तक मैंने बहुत बार बताया है कि डीजल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं, याद रखना मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एयर फ्यूल नहीं, एयर को कंप्रेस करते हैं। और एयर जब कंप्रेस होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर उस एयर का इंक्रीज हो जाता है तब हम लोग इंजेक्शन पंप के हेल्प से बाहर से फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। और चूंकि एयर कंप्रेस्ड रहता है उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, और बाहर से हम लोग फ्यूल देते हैं तो वो जलने लगता है, कंबशन स्टार्ट हो जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डीजल इंजन में सिलेंडर के अंदर जो कंप्रेशन करते हैं वो किसका करते हैं, एयर का करते हैं या एयर प्लस फ्यूल का करते हैं या फ्यूल का करते हैं। तो हम लोगों का आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एयर का करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय, अब मैंने हजार बार आपको बताया कि पेट्रोल इंजन जैसे ही आएगा कार्बोरेटर मारेंगे, नहीं भी कुछ समझ में आए पेट्रोल इंजन अगर देखो, और ऑप्शन में अगर आपको कार्बोरेटर दिखे आप लोग मारना, डीजल इंजन देखो अगर ऑप्शन में आपको इंजेक्टर दिखे इंजेक्टर मारना, ठीक है। चलो कार्बोरेटर के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो कि कार्बोरेटर का काम क्या है। कार्बोरेटर जो है इसका काम है, ये अपने लोगों का एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है, और ये कंट्रोल भी करता है व्हीकल के स्पीड को। अब वही बात हो गया कि एक्सेलरेटर ज्यादा देंगे ज्यादा फ्यूल सप्लाई होगा, ज्यादा व्हीकल मेरा चलेगा, कम देंगे कम फ्यूल सप्लाई होगा कम मेरा चलेगा। और ये सारा फंक्शन जो है सप्लाई करने का वो किसका है, वो कार्बोरेटर का है, ओके। और ये पेट्रोल के बारे में आप लोगों को पता ही चल गया, इट कन्वर्ट्स पेट्रोल इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स एंड मिक्सेज इट इन एयर इन सच अ वे दैट इट बर्न्स स्मूथली इन इंजन। तो इसको आप लोग रीडिंग मार लेना, ये रीडिंग मारने के लिए मैं दे देता हूँ आप लोगों को, और जो बोल रहा हूँ वो समझने के लिए। डीजल फ्यूल, अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि डीजल फ्यूल, देखो पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल में हम लोग स्पार्क देते हैं और वो जलने लगता है, मतलब पेट्रोल में जल्दी आग पकड़ता है। डीजल हम लोग कैसे जलाते हैं, तो डीजल हम लोग जलाते हैं एयर को कंप्रेस करते हैं, और उसमें जब हीट ज्यादा हो जाता है तब हम लोग डीजल को उसमें स्प्रे करते हैं एटोमाइजेशन प्रोसेस के हेल्प से, ठीक है, और उसके बाद जो है सो हम लोगों का वो इग्निशन होता है। तो आप क्या समझ रहे हो कि हम लोगों का डीजल फ्यूल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में जलाना, यानी मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और एक्सप्लेनेशन देख लो, एज सच पेट्रोल जो है आपका वो फास्टर है और वो लोअर टेम्परेचर पे ही जल जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। और डीजल इंजन को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को,
कि हायर टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर कहाँ से हम लोग लाते हैं, एयर को कंप्रेस करके। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है कि 175 सीसी का इंजन है, इसमें 75 सीसी का मतलब क्या हुआ। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या फ्यूल टैंक कैपेसिटी से है, या लुब्रिकेटिंग ऑयल कैपेसिटी से है, या शिफ्ट वॉल्यूम से है, या सिलेंडर वॉल्यूम से है, या क्लियरेंस वॉल्यूम से है। तो देखो इसका मतलब शिफ्ट वॉल्यूम से है, और ये शिफ्ट वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है जितना वो खींच सकता है सिलेंडर अपने अंदर, उसी को बोलते हैं शिफ्ट वॉल्यूम। और जितना जगह छूटा हुआ रहता है कंप्रेशन के बाद, जिस जगह में वो सारा एयर फ्यूल कंप्रेस हो करके चला जाता है, जहाँ पे कंबसन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और शिफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम को ऐड करोगे तो आप लोगों का आएगा सिलेंडर वॉल्यूम। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे डिटेल्स से समझो तो आपको समझ में आएगा। देखो ये आपका सिलेंडर है, ये पूरा का पूरा क्या है, सिलेंडर है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ना कि ये टॉप डेड सेंटर है और ये बॉटम डेड सेंटर है, मतलब पिस्टन जो है यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक आ रहा है, पिस्टन हमेशा इसी एरिया में जाता है। अब आप ही बताओ पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतना ही वो वॉल्यूम को खींचेगा ना, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है इतना ही वो खींचेगा, और इतना खींच लेने के बाद वो यहाँ आ गया, और जब ये वापस से जाता है कंप्रेशन करता है तो ये खाली जगह में ही वो कंप्रेस हो जाता है मेरा। तो यही है क्लियरेंस वॉल्यूम और ये है आपका शिफ्ट वॉल्यूम, और इस दोनों को आप लोग ऐड कर दोगे तो हम लोगों का आ जाएगा सिलेंडर वॉल्यूम। तो यही चीज है, आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लो कि शिफ्ट वॉल्यूम क्या है। तो शिफ्ट वॉल्यूम है आपका कि कोई भी इंजन जो है पिस्टन के हेल्प से एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम को वो खींच लेता है, उसी को बोलते हैं शिफ्ट वॉल्यूम। अब आप ही देखो, हम लोग जैसे इस, आप लोग समझो एक तरह का ये रेक्टेंगल है, तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, चूंकि सिलेंडर का शेप ऐसा होता है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और इनटू जो है सो हम लोग ये कर देंगे तो हम लोगों का वॉल्यूम निकल जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिफ्ट वॉल्यूम जो है ये आपका प्रोडक्ट है पिस्टन का एरिया का और एक स्ट्रोक का। स्ट्रोक मतलब क्या, ये वाला लेंथ, ये स्ट्रोक लेंथ होता है, स्ट्रोक लेंथ आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अब मैंने ये भी आपको बताया कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, ये जो है आपका सिलेंडर में जो बचा हुआ रहता है टॉप पोजीशन पे, उसी को बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसमें से शिफ्ट वॉल्यूम को हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों का क्लियरेंस वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब सब कुछ सेम ही है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग कर लोगे। और कंप्रेशन रेशियो ये मैंने आपको बता ही दिया है ये क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये क्या होता है, ये होता है आपका वी सिलेंडर डिवाइडेड बाय वी क्लियरेंस, और ये होता है वी शिफ्ट प्लस वी सी और डिवाइडेड बाय वी सी, और ये आपका होता है 1 प्लस VS/VC। ये तो मैंने आपको रिपीट कर दिया है, यही सारा चीज है, आप लोग देख लेना कि द कंप्रेशन रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। और कंप्रेशन रेशियो जनरली जो होता है वो 12 से 18 होता है, कहीं कहीं पे आपको 16 से 20 भी दिखेगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करना। ठीक है, 16 से 20 ज्यादा एक्यूरेट है, इसी को आप लोग याद रखना, इसको मत याद रखना, इसी को याद रखना, ये ज्यादा एक्यूरेट है, गूगल करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। तो चलो ये टोटल 1 से लेकर 30 क्वेश्चन मैंने बताया जो दोनों लेक्चर में, अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लेते हो ना तो आप ये मान करके चलो कि जितना भी क्वेश्चन आएगा 5 से 7 क्वेश्चन आपका यहीं से टकरा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बस वो समझने का कोशिश करो। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, तब तक आप लोग मंथ एग्जाम का तैयारी करो। थैंक यू।